नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन दो सीट ऐसी हैं जिस पर पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। वो सीट है रायबरेली और कैसरगंज। कैसरगंज वो सीट है जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी सांसद हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार उन्हें मौका नहीं देना चाह रही है। वही टिकट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि कैसरगंज सीट से फिर से टिकट मिलने के कोई संकेत मिले हैं, तो उन्होंने रामचरित मानस के दोहे दोहरा दिए और उन्हें परेशान न होने की बात कही। वहीं एक अन्य पत्रकार ने पूछा कि सामने ये खबर आ रही है कि आपके परिवार में से किसी को टिकट दिया जा सकता है। इस पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, आप लोग परेशान क्यों हैं? हुई है सोई जो राम रची राखा। दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह और कैसरगंज सीट सुर्खियों में तब आई जब कई महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का सवाल उठाया था। पहलवानों ने इसके लिए कई बार धरना भी दिया था। इसको लेकर बीजेपी की किरकिरी भी हुई थी। क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए पार्टी फिलहाल इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम की घोषणा करने से बच रही है। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपके आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़ी हर एक खबर को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? जी हाँ, एक्सेस भारत लेकर आता है आपके लिए तमाम मुद्दों को। बिना देरी के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।